देखिएगा कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। प्रदु के लिए है ये, इसकी मासी हाथ के है, ग्लव्स है इसमें। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इतने सारे कपड़े मैंने क्यों फैला के रखे हैं, ये कपड़े पन्नी में क्यों रखे हुए हैं। तो चलिए बताती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ तो ठंडी पड़ने लगी है, तो ठंडी वाले कपड़े भी निकालने पड़ेंगे। अब ठंडी लगती है तो ठंडी वाले कपड़े निकाले हैं, सर्दी वाले कपड़े निकाले हैं। और जो गर्मी वाले कपड़े थे, जो हाफ कपड़े थे, जैसे कि प्रतु के हाफ टी शर्ट वगैरह थी, जो भी जितने भी थे मेरे छुटकू के थे, वो सारे मैंने अलग कर दिए हैं और सर्दी वाले निकाले हैं। तो क्या करते हैं ना हम, कि जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती है, वैसे ही इस तरह के ना पन्नी में सारे कपड़े मेरे अलग होते हैं, मेरे एक अलग होते हैं, इसके पापा के अलग होते हैं, प्रतु के और छुटकू के, यानी कि इस तरह के चार बैग रेडी करते हैं। और चारों में चारों के कपड़े अलग अलग रखे जाते हैं, और ताकि सब मिक्स ना हो और किसी का कपड़ा कहीं किसी और में ना खो जाए। तो इसीलिए हम ऐसे रेडी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस तो है नहीं मीन्स की रखने के लिए। अलमीरा वगैरह, फर्नीचर वगैरह इसमें अभी हुआ नहीं है जहाँ पे हम लोग रहते हैं इसमें तो। और अलमारी भी हमारे पास एक ही है छोटू सा तो उसमें तो रेगुलर वाले ही कपड़े आते हैं, तो हम लोग ऐसे इसी में रख देते हैं। और जो भी कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं, एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, वो कार्डबोर्ड कार्टून के बॉक्सेस दिख रहे हैं अमेजोन वाले, तो उसी में हम लोग रख देते हैं। अब रखने से ही मतलब है ना, कहीं भी रखो तो हम लोग उसमें रखते हैं। और मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैंने एक बॉक्स मैंने प्रतु के बनाए हैं और एक छुटकू के हैं, जिसमें सर्दियों के कपड़े रखे जाएंगे। और वो जो कॉर्नर वाला है उसमें उसके पप्पा के होते हैं, और नीचे वाले जो है बॉक्सेस उसमें गर्मी वाले कपड़े रखे हुए हैं, जो कि यूज में नहीं है, वो रख दिए हैं मैंने। ये जो है सारे ये कल ही वॉश किए हैं, सर्दी वाले हैं सारे, तो ये अलग से निकाले हैं। और इसमें अभी और है, जो कि अभी मैंने, अभी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है तो अभी इसको मैंने नहीं निकाला है, बट बेड के अंदर रहता है सारा, तो बेड से बाहर निकाल लिया है। जैसे कि ये है, ये कुछ हुडीज वगैरह है, प्रत्यु के पापा की है, और ये ऐसे ही मैं रेगुलर घर पे पहनती हूँ, ये सारा है। फिर ये मफलर है, इसके पापा के हुडीज बहुत सारे है। ये जैसे मैं अभी देखती हूँ कितनी है, ये तीन, ये ऑफिस वाला उनका अलग है, घर वाला अलग है, तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तीन तो ये हो गई, ये नाइट में पहन के कभी कभार सो भी सकते हैं ऐसा है, तो मीन्स कि ये ऑप्शनल है, अगर लगता है सारा अगर धोने में है तो ये पहन सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ऐसे रेगुलर बेस में ये नहीं है, तो इसको साइड में रखते हैं। और एक और है, ये कितने हो गए, चार हो गए। ये एक और है घर पे जो पहनते हैं, ये पांच। और अभी उसमें भी और रखे हुए हैं, तो इसके पापा के तो इतने सारे हैं, तो ये मैं सारे अलग रखूंगी अभी। और जैसे कि इसमें ये मेरे छुटकू के हैं, इसमें ये मेरे हैं, छुटकू सो रहा था, अभी जग गया, उसके रोने की आवाज आ रही है। मैं तो ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ, और ये सो रहा था इसीलिए मैंने सोचा कि सारा ये जो काम पेंडिंग पड़ा है इसे फिनिश कर लो, लेकिन ये उठ चुके हैं तो अब इनको लेके करेंगे साथ में। ओए इतनी जल्दी उठ जाता है ये, ज्यादा सोता नहीं है ये, 24 घंटे में आई थिंक ना 4 से 5 घंटे ही सोता होगा, इतना ही सोता है, इससे ज्यादा नहीं सोता है ये। नाइट में भी ऐसे ही करता है, पूरी नाइट हम माँ बेटे जागरण करते हैं। एंड ये देखिए, सर्दियों में काफी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ तो होती है, कि ना मेरे पैरों में, पैरों की उंगलियों में ना सूजन हो जाती है बहुत ज़्यादा, और इचिंग भी होती है, उसकी वजह से पेन भी होता है, रेड पड़ जाती है पूरी उंगलियाँ सर्दी की वजह से। तो ये मेरी मम्मी ने बना के भेजे हैं मेरे लिए बूटीज, ये आप देख सकते हैं, तो सर्दियों में घर में ये पहनती हूँ मैं। तो ये लास्ट ईयर भेजे थे, बट मैंने लास्ट ईयर पहने नहीं थे, मैंने रख दिए थे, क्योंकि मेरे पास एक और दूसरा है तो वो पहन रही थी मैं, और ये मेरे लिए बनाए थे। और जैसे
इस टाइप के हैं, इसे मैंने उल्टा करके रखा हुआ है क्योंकि ये वॉश किया था, तो इस टाइप से है। तो ये भी मैं पहनती हूँ और ये सारा भी मैं साइड में करूँगी निकाल के। और वैसे तो ये सारे धो के ही रखे जाते हैं, बट निकालने के बाद पता नहीं क्यों स्मेल आती है, तो वापस से इसको वॉश करना पड़ता है, उसके बाद ही यूज़ में लेते हैं। तो अभी तो मैंने इसे इसमें से कुछ निकालूंगी मैं, बाकी ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है। और एक वो वाला है, वो प्रतु का है, वो उसके पापा का है, तो अभी मैं ये सारा समेटने वाली हूँ। लेकिन अभी तो ये जग चुके हैं, तो पहले इनको देखते हैं, बाद में करेंगे, वरना तो ये करने नहीं देगा। ओए इधर देखो, हाय करो, हाय, हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, अच्छा बाय कर दो, बाय बाय नहीं करोगे? ये मूडी है, मूड जब मन होता है तब बात करता है, वरना तो नहीं करता, ऐसा है इसका। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कि अगर इसको पहनते हैं तो ये कैसा दिखेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। और सेम ऐसा ही प्रतु के लिए भी बना के भेजा है। तो ये देखिए, ये प्रतु के लिए है, कितना क्यूट लग रहा है ये आप देख सकते हैं। ये प्रतु के लिए है। मेरी मम्मी ना क्रोचेट वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा करती है, और वो इस तरह के, वैसे तो वो जॉब करती है, बट नाइट में आके उनका मीन्स की ना क्रोचेट वर्क उनको इतना ज्यादा पसंद है ना, कि वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा टाइम जब भी मिलता है वो कुछ ना कुछ करती रहती है, लेके बैठ जाती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और ये मेरे छुटकू का इस तरह से बहुत सारा है। और ये वाला देखिए, ये बूटी देखिए, ये मेरे छुटकू का है, ये इसकी मासी लेके आई थी, ये भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। एंड इस तरह का जो भी है ना, एंड क्या हो गया, अच्छा ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, अच्छा इससे खेल रहा था, ये मैंने लिया तो रोने लग गया, यही है बेड पे मेरे पास खेल रहा है। तो ये वाला है ना, इसमें पूरा ये मेरे छुटकू का हाथ का है, पैर के मोजे हैं, हाथ के हैं, ग्लव्स है, इसमें सिर्फ इसी की चीजें हैं, इसमें छोटे छोटे से पैर के मोजे हैं, बहुत सारे ग्लव्स वगैरह है, बहुत मीन्स की मेरी सिस्टर भी लेके आ गई थी, इसके पापा भी लेके आ गए थे, तो ये एक्स्ट्रा ही हो गया। तो मैंने सारा ना इसमें, ये न्यू भी रखा हुआ है सारा, तो मैंने सारा इसमें पैक करके रख दिया, क्योंकि एक टाइम पे सारा तो यूज़ कर नहीं सकते, तो मैं इसको इसी में रहने देती हूँ, जब चाहिए होता है तो निकालती हूँ इसमें से। एंड ये आ गए ताता ताता करते। एंड यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए मैंने इसको स्वेटर पहना के रखा है। और ये देखिए, ये इनका रोना स्टार्ट हो गया। तो अभी मैं दिखा देती हूँ, मैंने आधे से ज्यादा कपड़े मीन्स की जो भी स्वेटर वगैरह थे सारे सेट कर दिए हैं, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने रखे कैसे हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको एक मिनट। तो ये देखिए, इसके अंदर जो गर्मी वाले कपड़े हैं, प्रतु के टी शर्ट वगैरह हाफ, वो सारे रखे हैं। इसके अंदर जो मीन्स की बहुत ज़्यादा पहना नहीं जाता है, न्यू ही बोल सकते हैं, तो वो सारे रखे हैं, जो मंथ में कभी कभार पहनना पड़े, कहीं जाना हो तो पहनना हो तो वो रखे हैं। और इसको अभी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। तो ये रख दिया है मैंने, तो इसमें कुछ इस तरह से चीज़ें रखी है मैंने, ये यूनिफॉर्म है सारा, यहाँ पर सॉक्स वगैरह रखे हैं, और ये छुटकू के हैं, और ये वाले जो लाइन है वो प्रतु की है, हुडीज़ वगैरह है प्रतु का। और इधर जो है ये ऑफिस वाले हैं सारे, प्रतु के पापा के। और ये साइड में है जो एक दो है वो मेरे हैं, जो रेगुलर वाले हैं। और इधर घर वाले हैं सारे। और ये टी शर्ट है जो कि आयरन करके पहनना होता है ऑफिस जाने के लिए, तो तभी करते हैं आयरन, जब जाना होता है ऑफिस उसके पहले करते हैं। और ये सारे घर वाले रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से एक लाइन में सारे कपड़े आ गए हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से है, तो कुछ इस तरह से हमने कपड़े रखे हैं।
तो कैसा लगा हमारा ये छोटू सा व्लॉग, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। एंड ये हमारा छुटकू, चलो बाय कर दो, बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।